ये वाला मेरा मकान है। हेलो गाइज, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज, अभी मैं रेडी हो गया हूँ अपने गांव जाने के लिए, बिकॉज हमारे यहाँ पे शादी है। आज शादी तो हो चुकी है, आज रिसेप्शन है। एक्चुअली मेरे माइंड से स्किप कर गया यार, 3 दिन का निमंत्रण था हमको, तो कार्ड इतने आ गए ना कि हौसपौस हो जाती है। कैलेंडर में मैंने डेट डाल रखी थी बट इनका कार्ड नहीं आया था। ये वर्बली यहाँ बोलने आए थे दोनों, ये लोग दो लोग आए थे गाँव से, बट मैं भूल गया उस चीज़ को। तो अभी मैं देख रहा हूँ कई स्टेटस वगैरह लोगों ने लगा रखे हैं, फेसबुक वगैरह मैं देख रहा हूँ, तो कल शादी हो गई है शायद, आज रिसेप्शन होगा। तो चलिए इसी बहाने गांव आएंगे और चमू देवता के भी दर्शन हो जाएंगे, तो चलते हैं। और मैडम भी रेडी हो गई हैं, ये जाएंगे सिलाई और हम जा रहे हैं गांव। तो चलिए भाई चलते हैं। माता जी बैठी हैं, धूप सेक रही हैं, अभी धूप आ गई यार आज। ये मैडम सिलाई के लिए, चलो चले। तो हम पहुंच गए हैं स्टेशन में, भी देखते हैं यहाँ से कोई गाड़ी की व्यवस्था होती है तो फिर निकलते हैं। तो गाड़ी की व्यवस्था हो गई है, ये भाई साहब भी मिले हैं जो हमारे साथ तड़ाक में गए थे लड़की देखने के लिए, मामा के लड़के की। तो इनकी गाड़ी में जा रहा हूँ अभी चमजोल को, तो चलिए मैं गाड़ी में बैठता हूँ। ये अभी थोड़ा सवारियाँ ढूंढ रहे हैं, तब तक मैं थोड़ा एडिटिंग कर लेता हूँ यार कल की। तो गाइज़ अभी गाड़ी में बैठ गया हूँ, गाड़ी में बैठ के मैं एडिटिंग कर लेता हूँ क्योंकि भाई साहब सवारी ढूंढ रहे हैं। 3 सवारी हुई हैं, 2 और चाहिए, तो 2-3 दिन से मैंने वीडियो भी नहीं डाली है, तो अपलोड करने के लिए पहले एडिटिंग कर लेता हूँ, तो फिर आगे का सफ़र होगा जैसा भी मैं आपको दिखाऊँगा। अच्छा ये अध्यक्ष है, ठीक ठीक। तो फाइनली हम लोग निकल गए हैं, भाई साहब की एक सवारी कम है तो कहीं रास्ते में देखेंगे कह रहे हैं। तो पुल्ला मार्केट पहुंच गए हम लोग अभी, यहाँ थोड़ा सवारियों का आदान प्रदान होते हुए। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं चमदेवल मार्केट, चमदेवल का स्टेशन कह लीजिए आप इसे। तो चमदेवल पहुंच गए हम लोग स्टेशन में, भाई साहब को कह रहे थोड़ा आगे छोड़ दो, अरे फिर वहाँ से अच्छा बता खोले सुनबा। तो गाइज हम लोग पहुँच गए हैं चमदेवल, ड्राइवर भाई साहब चले गए हैं वापस। देखो भाई यार, ये पहले इतना हरा भरा एक ग्राउंड होता था चमदेवल का, बहुत ही प्रसिद्ध मैदान है हमारे यहाँ पे, बट अब ऐसा हो गया, इतनी डस्ट है यहाँ पे, खड़ा होना भी बहुत ही दुष्कर है, यहाँ पे खड़ा नहीं हुआ जा रहा भाई। तो चलो अब चले अपने गंतव्य की ओर। चमदेवल का नाश कर दिया भाई, भाई ये अपना मकान ये है, झोपड़ी जो है ये वाला मेरा मकान है, ये झोपड़ी बन चुकी है। कभी भगवान ने चाहे तो उसको ठीक करेंगे, पूरी झाड़ियां हो गई है साइड में, बहुत दयनीय हो रहा है। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं डेस्टिनेशन पे जहां मुझे जाना था, यहां पे रिसेप्शन में खाना पीना स्टार्ट हो गया है। तो देखिए दोस्तों, हमारे यहां की जो परंपरा है ना, पंडित लोग खाना बनाते हैं, इस एरिया में कोई नहीं जा सकता है, तो वो लोग खाना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और ये लोग जो बैठे हुए हैं इसमें गामी पुजारी होंगे, और जो चोखा खाते हैं ना, जो धोती पहन के खाते हैं, कोई वस्त्र नहीं पहनते लोग, खाली
तो हमारी जो उत्तराखंड की संस्कृति है, परंपरा है, उसी के अकॉर्डिंग लोग खा रहे हैं। अब इसके बाद में लेडीज़ लोगों का बैच बैठेगा और बाकी अन्य लोगों के लिए यहाँ पे बुफे लगा हुआ है। यहाँ पे सेल्फ सर्विस है, लोग अपने आप लेके खा रहे हैं। तो अब संस्कृति के साथ साथ ये आधुनिक तड़का भी है पहाड़ों में। आजकल यहाँ खूब शादी ब्याह तो छोड़िए, यहाँ तो बर्थडे में भी ऐसा सेलिब्रेशन होता है ना कि लोग बाहर शायद शादी में भी नहीं करते हैं। पूरा वेस्टर्न कल्चर अपना रहे हैं हम लोग, बट गांव घरों में फिर भी अभी हमारा जो ट्रेडिशन है, कल्चर है, जो परंपरा है, वो अभी हम लोगों ने उसको जीवित रखा हुआ है गांव के लोगों ने। तो चलिए हम भी यहाँ पे खाना खा लेते हैं, अन्यथा ठंडा हो जाएगा, फिर ठंडा खाने खाने में मज़ा नहीं आता दोस्तों। तो गाइज़ मैंने खाना खा लिया है और अब देखिए यहाँ पे महिलाओं का बैच बैठ गया है। अब ये लेडीज़ लोग खा रही हैं। इस एरिया में हम लोग जा भी नहीं सकते हैं, नहीं तो छूत हो जाएगी, फिर ये खाना ये लोग खा नहीं पाएंगे, फिर इन्हें खाना फेंकना पड़ेगा, तो यहाँ जाना अलाउड नहीं है। और ये हमारे प्रधान जी हैं यहाँ के, जो खाना खा रहे हैं अभी अभी थोड़ी देर पहले। ये बार टेंडर बने हुए थे, तो थोड़ी देर यहाँ बैठते हैं। हमारे सयाने हैं गांव के, इनके साथ। यहाँ से नेपाल का शानदार व्यू नज़र आ रहा है, हालांकि क्लाउड है और फॉगी हो रहा है थोड़ा, तो उतना क्लियर दिख नहीं रहा है। इस मकान में थी शादी, ये लोग खटीमा ही रहते हैं एक्चुअली, ये पुश्तैनी मकान है। ये नीचे जो दरवाजे खुले हैं ना, ये वाले, यहाँ पे यहीं पे थी बारात। तो गाइज अभी निकलते हैं अब यहाँ से, काफ़ी समय हो गया यहाँ पे, सब में बैठा हुआ था अभी तक, भाई लोगों के साथ, चाचा ताऊ लोगों के साथ में। तो निकलते हैं घर को, 2 बजने वाले हैं। तो गाइज निकल पड़े हैं हम यहाँ से अब। हाँ सेल्फी। तो चमदेवल में चमू देवता के दर्शन करते हैं, फिर निकलते हैं। और भाई क्या हाल है? हाँ खाने नहीं आया? अरे ठीक 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 ठीक। मंदिर के सामने की पहाड़ियाँ हैं और ये कोने में आप देख रहे हैं उधर सीलिंग है, और ये जो नीचे है ये मड़गांव है, और ये जो खेत आप देख रहे हो इनको मोराली का शान कहते हैं। मोराली शान, ये गुंदेश की शान होती थी एक टाइम पे। तो गाइस ये हमारे बूबू की एक दुकान है यहाँ चमदेवल में, यहाँ से मैंने भाई एक लोअर लिए। बूबू तो है नहीं, आमा है, आमा से ले ली। हमारे यहाँ रिश्ते भी बड़े अजीब हैं, बच्चे बच्चों को आमा बूबू कहना पड़ता है।
रिश्ता बड़ा होता है ना फिर, रिश्ता बड़ा होता है कहते हैं। तो यहाँ से ले लिया है एक पजामा मैंने, तो चलिए लोहागढ़ को चलते हैं। भाई साहब शॉपिंग करने में थोड़ा टाइम लग गया, अब भी अभी निकली है बता रहे हैं गाड़ी धामी जी। कोई बात नहीं, चलिए अब थोड़ी देर यहाँ धामी जी के यहाँ बैठते हैं, जब तक कोई गाड़ी नहीं आती है फिर निकलेंगे उसके बाद। एक घंटा इंतज़ार करने के बाद में अल्टो आ गई है एक, अभी इसमें निकलते हैं, अभी सवारी कम हो रही है, थोड़ा जैसे भरेगी फिर निकलेंगे यहाँ से। तो गाइस फाइनली मैं घर पहुंच गया हूं, और यहां पे मेरी मैडम ने दुकान खोल रखी है कॉम्बो, इतना काम करती है ना मेरी वाइफ घर के काम के अलावा। ये देखो कपड़े सिल रही है, साथ ही साथ ये चूजे भी हैं इनको भी पढ़ा रही है ना मोहित, तू ना इसको इसको लर्न कर ले। ये मोहित ये वाले कर लेगी नीतू, ये कृपया बैठ मोहित ये वाले लर्न कर ले तू, ठीक है। ये तो यहाँ ये सब चल रहा है भैया, कोई पानी नहीं पूछ रहा, कोई चाय नहीं पूछ रहा, सुबह से प्यास लगी हुई है। ये तो तुम्हें याद किया था ना, तो चलिए खुद ही अपनी सेवा करता हूँ, फिर मिलता हूँ आपको। तो गाइस चलिए अपने लिए चाय वाय बनाते हैं और पानी पी लेते हैं। अभी मैं थोड़ा फ्रेश व्रेश हो गया और चेंज कर लिया है, हम अपने घर के रूप में आ गए हैं, तो चाय वाय पीते हैं। तो आज का ब्लॉग मैं गाइस यहीं पे समाप्त करता हूँ, कल आपको मिलेंगे एक नए ब्लॉग में। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय एंड टेक केयर।